धीरे धीरे हम कविताओं की ओर चल रहे हैं। जमाने का जाएगा दो कवि शीर्षक से ये चार पंक्तियां दे रहा हूं। दो प्रकार के कवि होते हैं, एक यथार्थ को लिखता है और एक यथार्थ को नजरअंदाज करके अपने स्तुति गानों को लिखता है। इन दोनों कवियों के बीच स्नेही क्या कहना चाहता है, यथार्थ की मुंडेर पर खड़ा एक कवि रो रहा है, यथार्थ की मुंडेर पर खड़ा एक कवि रो रहा है, दूसरा स्मिताओं की सेज पर सो रहा है। तू भी अपनी कलम को थोड़ा कुचकार कर चल, तू भी अपनी कलम को थोड़ा कुचकार कर चल, जमाने का जाएगा नमकीन हो रहा है, जमाने का जाएगा नमकीन हो रहा है। मित्रों, कविता बहुत से लोग लिखते हैं, अलग अलग छंदों में, अलग अलग रसों में, अलग अलग भंगिमाओं में लिखने के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन कविता एक बात जरूर है कि कविता क्या है ये मैं इस कविता में आपको बताना चाहता हूं। कविता केवल शब्दों का सम्मेलन नहीं है, कविता केवल शब्दों का सम्मेलन नहीं है, कविता केवल छंदों का आलिंगन नहीं है, अणुशक्ति का विस्फोटक संचलन है कविता, कविता केवल झाड़ू पोछा चकला बेलन नहीं है, कविता केवल झाड़ू पोछा चकला बेलन नहीं है। कविता वो जो मुफलिसी की पीड़ाओं का भार हरे, कविता वो जो देश प्रेम का अनुपम श्रृंगार करे, उनको पूछो आंसुओं से मन बहलाते हंसने से डरते हैं, उनको पूछो जो घावों को सहलाते कविता करते हैं, अनुभूतियों की आंखों में जब वेदनाओं के डोरे छाते हैं, छंदों की सतरंगी डाली पर बैठ पीड़ा के पंछी गाते हैं, मजहब की हिंसक परिभाषा अपने को दोहराने लगती है, भय के कोने में बैठकर मानवता जब रोती हो विसकती है, तब कविता की आंखों में शब्दों के तूफान उतरते हैं, तब कविता के बाहों में तपते हुए अरमान पिघलते हैं, जब क्रोधित होकर कविता अपनी औकात बताती है, तब श्यामा भी अरिमुंडों से अपना गलहार सजाती है, देश प्रेम की शक्ति से कविता के चिराग जब जलते हैं, तब पापों के पगलाए सूरज भी पर दोपहर ढलते हैं, इसीलिए हे मंच के महावीरों, कविता को कविता रहने दो, जो कहना चाहती है मचल मचल कर कविता को कहने दो, जो कहना चाहती है मचल मचल कर कविता को कहने दो, हो गई अगर कविता गूंगी तो फिर तुम भी ना बच पाओगे, ना बच पाएगा मंच तुम्हारा, कविता भी बचा ना पाओगे, इसीलिए मैं कहता हूं कविता केवल शब्दों का सम्मेलन नहीं है, कविता केवल छंदों का आलिंगन नहीं है, अणुशक्ति का विस्फोटक संचलन है कविता, कविता केवल झाड़ू पोछा चकला बेलन नहीं है। मैं ग्रामीण संस्कृति से आया हूं, ग्रामीण अंचल से आया हूं, गांव की स्थिति आज भी वही है, फणीश्वरनाथ रेणु का जो मेला अंचल है वो आज भी मेला अंचल ही है, गांव से नवीन पलायन करते हैं, बेरोजगारी की मार से तड़पते हैं और पलायन करते हैं, गांव की तरफ किसी का ध्यान नहीं है, गांधी की सोच ही नहीं मरी है, गांधी का विचार भी मारा गया है, गांधी की हत्या ही नहीं हुई, गांधी के विचार की हत्या भी हो गई है, क्योंकि गांधी कहते थे
गांव में मेरा भारत निवास करता है लेकिन गांव की तरफ कोई ध्यान नहीं है। लेकिन एक बात जरूर है कि ग्रामीण संस्कृति बची रहनी चाहिए और वह ग्रामीण संस्कृति अब धीरे धीरे शहर और गांव में घुस रहे हैं। इन चार पंक्तियों में उस दर्द को मैं उकेर रहा हूं। कहां गई वो बगतरी? बगतरी कहते हैं एक जिसके बटन नहीं होते हैं और कसे होती है उनको बांधते हैं, कि कहां गई वो बगतरी वो पेचों वाली पाग, भारी भरकम पगर की वो लाठी वाली धाक, वो लाठी वाली धाक वो कंठी झेला मुर्की, वो मूछों वाली बांक वो गालों वाली सुर्खी, स्नेही मुरझा रही है गांव की सौंधी सौंधी रेत, फार्म हाउस होने लगे नाटी वाले खेत, फार्म हाउस होने लगे नाटी वाले खेत। मित्रों, कृष्ण की दोपहरी में हम अपने पत्थरों के मकानों के अंदर ऐसी चला करके हमारे कमरों को ठंडा करते हैं और लेकिन हम बाहर एक जहरीली आग उगलते हैं, लेकिन गांव में ऐसा नहीं है। गांव में आज भी जहां मोहल्ले में कोई बहुत बड़ा पेड़ होता है, गांव उसी पेड़ के छाया में खाट बिछा करके दोपहरी दोपहरी खाट बिछा करके वहां सांस लेता है। तो उसी स्थिति को मैं इस कविता इस गीत में ढाल रहा हूं और हिंदू में ये गीत है। आप गिद्धरा सुलगती आग बरसती ताती ताती दोपहरी, धरा सुलगती आग बरसती ताती ताती दोपहरी, तीखी धूप लू की लपटे चिल चिलाती दोपहरी, सोनी पगडंडी सोने रास्ते तरवर नीचे छां, बट पीपल के नीचे बैठा खाट बिछाएगा, बट पीपल के नीचे बैठा खाट बिछाएगा, धरा सुलगती आग बरसती ताती ताती दोपहरी, तीखी धूप की लपटे चिल चिलाती दोपहरी, सोनी पगडंडी सोने रास्ते तरवर नीचे छां, बट पीपल के नीचे बैठा खाट बिछाएगा, बट पीपल के नीचे बैठा खाट बिछाएगा। मित्रों, ये पत्थर की हवेलियां जो गर्मी में तपती है, मेरे गांव के कच्चे घर ठंड से मुड़कते हैं, ठंड से मुस्कुराते हैं, और उस गांव के घर में केवल हम ही नहीं रहते, चिड़िया के बच्चे भी रहते हैं, गोरैया के बच्चे भी रहते हैं, कभी कबूतर भी आते हैं, कभी तोते भी आते हैं, कभी मोर भी हमारे आंगन में नाचने लगता है। उन्हीं बिंदु को मैंने इसमें उकेरा है। हमारे जब कच्चे घर जिनके दोनों तरफ चांदे उठाए जाते हैं मिट्टी के दीवार के, और उसमें एक पूरी बड़ी लकड़ी होती है जिसे नियार कहते हैं, और उसके लंबाई में चौड़ाई में एक डांडा है, उसे डांडा कहते हैं। उस डांडे पर गोरैया के बच्चे हैं और वो क्या कर रहे हैं, हमारे साथ रह रहे हैं, हमारे साथ गा रहे हैं। ची ची करते डांडे ऊपर गोरैया के बच्चे, ची ची करते डांडे ऊपर गोरैया के बच्चे, के ठंडे ठंडे मुड़क रहे हैं घर मेरे गांव के कच्चे, के ठंडे ठंडे मुड़क रहे घर मेरे गांव के कच्चे, कि छमछम करते बाज रहे हैं, कि छमछम करते बाज रहे हैं बिछिया वाले पांव, बट पीपल के नीचे बैठा खाट बिछाएगा, कि बट पीपल के नीचे बैठा खाट बिछाएगा। गीत कोयलिया गीत सुनाती है, मोर नाचता है, और इस मस्ती को देखकर घने नीम की छाया में तोते तान सुना रहे हैं, और इस मस्ती को देख करके सूरज भी ठिठक जाता है। यही बिंब इसमें उकेरा है, इस बिंब में आप डुबकी लगाइएगा।
एक गीत सुना दी कोयलिया को मयूरा नाच दिखाए, कि गीत सुना दी कोयलिया को मयूरा नाच दिखाए, घने नीम की हरी छाया में तोते तान सुनाए, घने नीम की हरी छाया में तोते तान सुनाए, इस मस्ती को देखे टिटके, अरे इस मस्ती को देखे टिटके सूरज के भी पान, बट पीपल के नीचे बैठा खाट बिछाएगा, बट पीपल के नीचे बैठा खाट बिछाएगा। मित्रों, दोपहर में जब सुनसान हो जाता है पूरा जंगल, वहां बबूल के पेड़ों पर गोंद निकलता है, और गोंद ऐसा पारदर्शी होता है, लाल और सफेद जैसे मोती चमक रहे हैं। और मेरा गांव क्योंकि नदी के किनारे है, और जब चांदनी रात नदी के किनारे आती है तो अपनी धोती को फैला देती है, और खेत की मेल पर जो दीमक का दुम्बा है वो भी एक बिंब दे रहा है कि वो कोई बाबा जी तपस्या कर रहा है। इसी बिंब में उतरे, बबूलों पर गोंद चमकते जैसे चमके हीरे मोती, कि बबूलों पर गोंद चमकते जैसे चमके हीरे मोती, रात फैलाए नदी किनारे चांदनी वाली धोती, रात फैलाए नदी किनारे चांदनी वाली धोती, खेत मेरे दीमक का धुमा, खेत मेरे दीमक का धुमा बाबा जी की ठान, वट पीपल के नीचे बैठा खाट बिछाएगा, वट पीपल के नीचे बैठा खाट बिछाएगा। अंतिम ये जो चार पंक्तियां हैं, मैं अपने नौजवान साथियों को समर्पित करना चाहूंगा, और नौजवान साथियों से ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि वो अपनी कल्पना को जहां तक ले जाना चाहे ले जाएं, लेकिन जो भूतपूर्व जवान नौजवान हैं वो अपनी कल्पना को मर्यादित रखेंगे। कि मेरे खेत के पलसे वाली जड़बेरी के बेर जब पकने लगते हैं तो मेरे गांव के आग धतूरे और केर भी झूमने लग जाते हैं, यही सिचुएशन है। और ये कि पकने लगे जब पलसे वाली जड़बेरी के पेर, पकने लगे जब पलसे वाली जड़बेरी के पेर, लगे झूमने गांव के सारे आक दतूरे के, बरसाती बूंदे पी पी खेत में खिलने लगा है शाम, वट पीपल के नीचे बैठा खाट बिछाएगा, वट पीपल के नीचे बैठा खाट बिछाएगा। इन अंतिम चार पंक्तियों में इस गांव का दर्द उकेरा है मैंने, और जैसे मोट बाजरे मक्का निपस्ती है, सेंध काचरी फूट, सेंध एक काचरा होता है, एक काचरी होती है छोटी, सेंध काचरा होता है बड़ा, एक मठ काचरा होता है, और काकड़ी भी, ककड़ी भी दो प्रकार की होती है, एक हरी ककड़ी और एक लाल गोरी ककड़ी, जिसे फूट काकड़ी कहते हैं। वो फूट काकड़ी जब फूल जाती है तो कच्ची नहीं रहती है, गोरी फूलती है तो पक जाती है, तो वो फूट काकड़ी है। और ये सारी बात इस बिंब में है, और दर्द भी है साथ में, कि मोट बाजरे मक्का निपजे सेंध का चरी फूट, मोट बाजरी मक्का निपजे सेंध का चरी फूट, आंखों में दहशत फैलाए पटवारी की लूट, आंखों में दहशत फैलाए पटवारी की लूट, किसको ये फरियाद सुनाए, किसको ये फरियाद सुनाए छाले वाले पान, वट पीपल के नीचे बैठा खाट बिछाएगा, वट पीपल के नीचे बैठा खाट बिछाएगा। अब कविता को यथार्थ के धरातल पे ले चलते हैं। ये चार पंक्तियां जो मेरे पोस्टर पर भी लिखी गई है, इन चार पंक्तियों के साथ मैं कविता की रस को मोड़ता हूं, और
में मेरी जो गद्य कविता है, अतुकांत कविता है, वो आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा कि समझदारों ने तो आंखें नीच ली, कि समझदारों ने तो आंखें नीच ली पर पागलों ने लिखा, समझदारों ने तो आंखें नीच ली पर पागलों ने लिखा, जानवर से ज्यादा यहां आदमी संवेदनहीन दिखा, जानवर से ज्यादा यहां आदमी संवेदनहीन दिखा, रिश्ते नातों को निगल लिया पैसे और खुदगर्ज ने, रिश्ते और नातों को निगल लिया पैसे और खुदगर्ज ने, इस महंगी दुनिया में केवल आदमी ही सस्ता बिका, इस महंगी दुनिया में केवल आदमी ही सस्ता बिका। मेरी कविता प्रस्तुत है तगारी में ताजमहल, शीर्षक है तगारी में ताजमहल। ये एक ऐसी मजदूरी की पीड़ा है जिसको शब्द देना मैं आवश्यक समझता हूं, और शब्दों को मैं इतनी सरलता रखना चाहूंगा ताकि जिसके लिए कविता लिखी जाए वह भी उसे समझ सके। भूख भूख से इसका इतना याराना है, भूख से इतना याराना है, भूख से इसका इतना याराना है कि दादी माँ के पल्लू में बंधे दो टके सी बांधे रखती है पेट के आसपास नित्य प्रति भूख को। भूख से इसका इतना याराना है कि दादी माँ के पल्लू में बंधे दो टके सी बांधे रखती है पेट के आसपास नित्य प्रति भूख को। पसीने की आंच से सेकती है रोटियां, पसीने की आंच से सेकती है रोटियां, हाड तोड़ मेहनत करके भी नहीं कर पाती है जुगाड़ तरी वाले तरकारी का, हाड तोड़ मेहनत करके भी नहीं कर पाती है जुगाड़ तरी वाली तरकारी का, और फकत बांट लेती है दो गासे रोटी के लिए, और फकत बांट लेती है दो गासे रोटी के लिए लाल मिर्च की चटनी, फकत बांट लेती है दो गासे रोटी के लिए लाल मिर्च की चटनी, फिर भी नहीं रहती है उदास, फिर भी नहीं रहती है उदास। इसकी मेहनत पर ही नहीं इसकी अभिलाषाओं आशाओं और सपनों पर भी पहरेदारी है खनकते सिक्कों की, इसकी मेहनत पर ही नहीं इसकी अभिलाषाओं आशाओं और सपनों पर भी पहरेदारी है खनकते सिक्कों की। बहुत उदंड होते हैं ये सिक्के, बहुत उदंड होते हैं ये सिक्के, कभी कभी इसके चिकने जिस्म से चिपक कर चूस लेते हैं इसकी मांसलता, बड़े उदंड होते हैं ये सिक्के, कभी कभी इसके चिकने जिस्म से चिपक कर चूस लेते हैं इसकी मांसलता, और रह जाता है फकत जिंदा सांसों का ढांचा, और फकत रह जाता है जिंदा सांसों का ढांचा, फिर भी ढोती रहती है न जाने, फिर भी ढोती रहती है न जाने कितने शहंशाहों की ताजमहल को अपनी टूटी हुई तगारी में, फिर भी न जाने ढोती रहती है न जाने कितने शहंशाहों के शाही ताजमहल को अपनी टूटी तगारी में। स्त्री विमर्श और स्त्री के दर्द की ये जो कविता है बहुत छोटी सी कविता है, स्त्री क्या है और मैं स्त्री विमर्श की दो तीन कविताएं पढ़ना चाहूंगा। स्त्री शीर्षक है स्त्री। स्त्री तो है ही जीवंत प्रेम, स्त्री तो है ही जीवन प्रेम, ये और कुछ जाने न जाने किंतु बहुत गहराई से जानती है प्रेम को, ये और कुछ जाने न जाने
किंतु बहुत गहराई से जानती है प्रेम को, इसीलिए भीगी हुई पलके लिए भटकती रहती है उम्र भर प्रेम के लिए, भीगी हुई पलकों को लिए उम्र भर भटकती रहती है प्रेम के लिए। एक कविता है बदचलन, शीर्षक बदचलन और चरित्रहीन, बदचलन और चरित्रहीन मात्र एक शब्द ही नहीं है, धारदार हथियार है मर्दों का। बदचलन और चरित्रहीन मात्र एक शब्द नहीं है, धारदार हथियार है मर्दों का, जो बिना कीमत चुकाए हक छीनने वाले का दुस्साहस करने वाली स्त्री पर किया जाता है प्रयोग ब्रह्मास्त्र की तरह। बदचलन और चरित्रहीन मात्र एक शब्द ही नहीं है, धारदार हथियार है मर्दों का, जो बिना कीमत चुकाए हक छीनने का दुस्साहस करने वाली स्त्री पर किया जाता है प्रयोग ब्रह्मास्त्र की तरह। यदि हो जाती है वो मूर्छित, झट चाटने लगते हैं उसके सत चरित्र को महामर्दों के मूछों वाले होठ। अगर झट मूर्छित हो जाती है वह तो झट चाटने लगते हैं उसके सत चरित्र को महामर्दों के मूछों वाले होठ। अंधेरे में और उजाले में फिर वही बख्शीश करते हैं सतीत्व का सर्टिफिकेट, और उजाले में फिर वही बख्शीश करते हैं सतीत्व का सर्टिफिकेट और अग्नि परीक्षा की अंक तालिका। उजाले में फिर वही बख्शीश करते हैं सतीत्व का सर्टिफिकेट और अग्नि परीक्षा की अंक तालिका। बदचलन और चरित्रहीनता के बीच भी कितने अच्छे लोग साबित रहते हैं ऐसे लोग, और स्त्री उलझी रहती है युगों युगों से, कभी अहिल्या कभी सीता बनकर, रोटी और गणतंत्र। आज भी कहां जा रहे हो भोला राम, दिल्ली में जो निर्भया कांड हुआ उसके अपराधियों को सजा तो मिल गई किंतु स्थितियों को फांसी नहीं मिली। अपराधियों को फांसी मिली है, स्थितियां रोकी हुई है। आज भी आए दिन सुनने को आता है, यानी मर्दों का दृष्टिकोण पुरुष स्त्रियों के प्रति बदला नहीं है, और जब तक दृष्टिकोण नहीं बदले तब तक स्थितियां नहीं बदल सकती। एक ये गीत निर्भया के प्रति समर्पित है। आज की स्थिति भी वैसी ही है कि सब के सब तन के व्यापारी हो रहे हैं, मन की झाड़ी सूख गई है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो विश्वास की है, भरोसे की है। भरोसा टूटा है, विश्वास टूटा है, शंकाओं का काजल डाल करके पलके भी आंखों को गाली दे रही है, यही इस गीत के भाव है। सबके सब तन के व्यापारी, सुखी सबकी मन की झारी, कि शंकाओं का काजल डाले पलके दे आंखों को गाली, सबके सब तन के व्यापारी सुखी सबकी मन की झारी।
पहले ये था कि वचन जाए, वचन नहीं जाता था, प्राण चले जाते थे, प्राण जाए पर वचन न जाए। आज स्थितियां ये है कि अभी राजस्थान में विद्यार्थी मित्रों से सरकार की बात हुई थी पहले वाली सरकार की, और समझौता हो गया, किंतु जब मीटिंग हुई तो सरकार ने बदल कह दिया कि नहीं नहीं, हमने तो कुछ भी सब वादा नहीं किया आपसे। इस स्थिति में ये सारी सब जगह यही स्थिति है कि सबके सब तन के व्यापारी, सुखी सबकी मन की झारी, शंका का जल डाले पल के दे आंखों को गारी, सबके सब तन के व्यापारी की मन का मान सरोवर, सूखा तन पकड़ाई संबंधों के, संबंध रिश्ते दरक गए हैं, संबंध दरक गए हैं, रिश्ते दरक गए हैं। वही बात है इसमें कि मन का मान सरोवर, सूखा तन पकड़ाए संबंधों के, खुद सरकारें कागज बदले लिखे अक्षर अनुबंधों के, साक्षी ही शब्दों को पाए डूबे मन की प्रीत उधारे, सबके सब तन के व्यापारी, सुखी सबकी मन की झारी। अंधेरा सर्व को घूम रहा है और किरने कहां बैठी है, सूरज लाचार होकर के फाइल लेकर के कोर्टों की दहलियां को चूम रहा है। कैसी स्थिति है देखिएगा कि कस्टडी में किरणें बैठी अंधियारा सड़कों पर घूमे, कि कस्टडी में किरणें बैठी अंधियारा सड़कों पर घूमे, समझो तू की फाइल लेकर सूरज को कचहरी चूमे, कस्टडी में किरणें बैठी अंधियारा सड़कों पर घूमे, समझो तू की फाइल लेकर सूरज को कचहरी चूमे, कि तारी फूटा घूंघट दे दे निर्भया की लाज उगारी, सबकी सब तन के व्यापारी, सूखी सबकी मन की झारी, शंकाओं का काजल डाले पलके दे आंखों को गारी, सबके सब तन के व्यापारी। विषमताओं की स्थिति यह है कि उनके पास लाखों सपने हैं और इनके पास आंखें भी नहीं है, यही स्थिति इसमें है। और मन की बस्ती सुनी सुनी है और तन की बस्ती मारामारी चल रही है, यही बात है कि उनके हिस्से लाखों सपने, इनके हिस्से आंखें भारी, कि उनके हिस्से लाखों सपने, इनके हिस्से आंखें भारी, सुनी सुनी मन की बस्ती तन की नगरी मारामारी, कि उनके हिस्से लाखों सपने, इनके हिस्से आंखें भारी, सुनी सुनी मन की बस्ती तन की नगरी मारामारी, जिसके पास है दौलत जितनी उसकी उतनी हिस्सेदारी, सबके सब तन के व्यापारी, सूखी सबकी मन की झारी, कि मन का मान सरोवर, सूखा तन पकड़ाई संबंधों के, खुद सरकारें कागज बदले लिखे अक्षर अनुबंधों के, साक्षी ही शब्दों को खाए डूबे मन की प्रीत उधारी, सबके सब तन के व्यापारी, कि कष्टे दिन में किरणें बैठी अंधियारा सड़कों पर घूमे, समझौतों की फाइल लेकर सूरज को कचहरी चूमे, तारीखों का घूमट दे दे निर्भया की लाज उगारी, सबके सब तन के सूखी सबकी मन की झारी, कि इनके हिस्से उनके हिस्से लाखों सपने, इनके हिस्से आंखें भारी, सुनी सुनी मन की बस्ती तन की नगरी मारा मारी, जिसके पास दौलत जितनी उसकी उतनी हिस्सेदारी, सबके सब तन के व्यापारी, सुखी सबकी मन की जारी। जल और पानी का कैसा प्रयोग किया है मैंने, आप देखिएगा कि जल के बिना कोई जलता कोई दबकता पानी में, कि जल के बिना कोई जलता कोई दबकता पानी में, जंगल से तो बचकर आए लुट गए हम राजधानी में, कि जल के बिना कोई जलता कोई दबकता पानी में, जंगल से तो बचकर आए लुट गए हम राजधानी में, हर चेहरे पर एक मकोटा किसको दे हम पहरेदारी, सबके सब तन के व्यापारी, सूखी सबकी मन की झारी। अब
क्या करना है आपको, टहर टहर के चलना है, समझ समझ के चलना है, नहीं तो कल किसकी बारी आए इसका कोई पता नहीं है। कि हर कि जल के बिना कोई जलता कोई धड़कता पानी में, जंगल से दो बचकर आए लुट गए हम रजधानी में, हर चेहरे पर एक मुखौटा किसकी दे हम पहरेदारी, सबके सत्तन के व्यापारी, कि तहर तहर कर चलना यारू हर चौराया तारी है, तहर तहर कर चलना यारू हर चौराया तारी है, कौन कहां संभाले किसको किसकी कल यहां बारी है, हल्के फुल के कान कायदे पर जोर जुलम सब भारी, तल सबके सब तन के व्यापारी, सूखी सबके मन की झाड़ी, मन का मन सरोवर सूखा तन खपड़ा, ये संबंधों के खुद सरकारी कागज बदले लिखे अक्षर अनुबंधों के। एक गद्य कविता आपको प्रस्तुत करना चाहूंगा, मैं भी लिखना चाहता हूं प्रेम गीत, मैं भी प्रेम करना चाहता हूं, नफरतें जो फैल रही है ऊपर मृत्यु की तरह नफरत फैलाई जा रही है, इस नफरतों के बीच में मैं भी प्यार का गीत लिखना चाहता हूं, मैं भी लिखना चाहता हूं प्यार के गीत, उतरना चाहता हूं हसीन आंखों की गुलाबी झील में, मैं भी लिखना चाहता हूं प्यार के गीत, उतरना चाहता हूं हसीन आंखों की गुलाबी झील में, गुदगुदा लेना चाहता हूं दिल की धड़कनों पर किसी की महकती सांसों का प्रेम गीत, गुदगुदा लेना चाहता हूं दिल की धड़कनों पर किसी की महकती सांसों का प्रेम गीत, पिरोना चाहता हूं सिसकियों के सूत्र में खिलखिलाते शब्दों की खनकती ध्वनियां, पिरोना चाहता हूं सिसकियों के सूत्र में खिलखिलाते शब्दों की खनकती ध्वनियां, ताकि व्यक्त कर सकूं अपने समय के उजले हस्ताक्षर सदियों की स्लेट पर, ताकि व्यक्त कर सकूं अपने समय के उजले हस्ताक्षर सदियों की स्लेट पर, किंतु हालात की खोटी पे तगा कैलेंडर फड़फड़ाने लगता है समय की तेज हवा से, किंतु हालात की खूंटी पे टंगा कैलेंडर फड़फड़ाने लगता है समय की तेज हवा से, और अनायास टपकने लगती है मेरी कलम से विवश आंसुओं की बूंदे, और अनायास टपकने लगती है मेरी कलम से विवश आंसुओं की बूंदे, सुनकर सड़क की सुलगती छाते पर फूटते छानों की चीखे, और अनायास टपकने लगती है मेरी कलम से विवश आंसुओं की बूंदे, सुनकर सड़क की सुलगती छाती पर फूटते छानों की चीखे। ये जो डिजिटल जमाना आ रहा है अच्छा है, सब लोग वाह वाह कर रहे हैं, सब इसे अच्छा बता रहे हैं, मैं भी अच्छा बताने की कोशिश करता हूं, किंतु इस डिजिटल युग में संवेदनाएं मर गई है, मानवता सिसक रही है, रिश्ते तरक गए हैं, हमारी संस्कृति गड़बड़ा रही है, इन्हीं के लिए एक गीत प्रस्तुत करना चाहूंगा कि डिजिटल तो हो रहे हम लेकिन क्या भूल रहे हैं, क्या छोड़ रहे हैं, क्या अपना रहे हैं, ये बात इस गीत में है। सूखे प्रेम के ताई कलैया सूखी मीठी गालियां, कि सूखे प्रेम के काल तलैया सूखी मीठी गालियां, अलगोजों की धुन भी सूखी कदम की सूखी डालियां, रिश्तों का वृंदावन सूखा सूखी मन यमुना की धार, के रिश्तों का वृंदावन सूखा सूखी मन यमुना की धार, डिजिटल हो गई सारी दुनिया बांध लगाए पार, डिजिटल हो गई सारी दुनिया बांध लगाए पार,
सूखे प्रेम के दाल तलैया, सूखी मीठी गालियां, अलगोजों की धुनी सूखी, कदम की सूखी डालियां, रिश्तों का वृंदावन सूखा सूखी, मन यमुना की डाल, डिजिटल हो गई इस दुनिया सारी, राम लगाए पार, जीते वर भाभी जीजा साली, पावन रिश्ते रूप कहां, शंकाओं की शीत लहर में गुम गुम करती धूप कहां, कि देवर भाभी जीजा साली, पावन रिश्ते रूप कहां, शंकाओं की शीत लहर में गुम गुम करती धूप कहां, खतपाती की खत्म कहानी ढाई, आखर हो गए चार, डिजिटल हो गई दुनिया सारी, राम लगाए पार, डिजिटल हो गई दुनिया सारी, राम लगाए पार, चिल्लता गाबा गगरी बांधे लाठी मूछे मुंह प्यार कहां, कि लगता गाभा गठरी बांधे लाठी मूछे मुंह प्यार कहां, खेतों वाली पगडंडी पर होने दानी सत्कार कहां, कि खेतों वाली पगडंडी पर होने दानी सत्कार कहां, फीकी मुस्कानों का बाग लगाकर खोजे लोग बाहर, डिजिटल हो गई सारी दुनिया राम लगाए पार, डिजिटल हो गई सारी दुनिया राम लगाए पार, कि हर आंगन का आंगन सिमटा ठंडी हो गई कल की आग, कि हर आंगन का आंगन सिमटा ठंडी हुई कल की आग, किससे कहानी की बोल डूबे गए हुंकारे भाग, किससे कहानी की बोल में डूबे गए हुंकारे भाग, अपने अपने फूल में डूबा एक हरा भरा परिवार, डिजिटल हो गई सारी दुनिया राम लगाए पार, कि डिजिटल हो गई सारी दुनिया राम लगाए पार, नित उठती थी ब्रह्मेला से बहु सासू माँ से पहले, अरे नित उठती थी ब्रह्मेला में बहु सासू माँ से पहले, कि धमड़क धमड़क धुन में लगते संगीत उनके मेले, कि धमड़क धमड़क धुन में लगते संगीत उनके मेले, कड़ी धूप का आंगन बिगड़ा सब मुंडा संसार, डिजिटल हो गई सारी दुनिया राम लगाए पार, डिजिटल हो गई सारी दुनिया राम लगाए पार, मेरे गांव की सुबह और मेरे शहर की सुबह दोनों में कितना अंतर है, ये भी मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा। सुबह शहर की, भोर गांव की। गांव में जब भोर सुबह पहले उठते हैं हम, तो एक तरफ सूरज उगता हुआ नजर आता है, एक तरफ चंदा अपनी फीकी चांदनी लिए सिमरता हुआ नजर आता है, ऐसा लगता है जैसे वो शर्म आ रहा है और सूरज उसको बाहों में भरना चाहता है, चंदा। ये भोर गांव की देखिए, टिटक झिझलते चंदा को सूरज बाहों में भरता है, कि ठिटक झिझलते चंदा को जब सूरज बाहों में भरता है, सूखे मरुथल के मन में अनुरागी सावन झरता है, सूखे मरुथल के मन में अनुरागी सावन झरता है, पत्ती पत्ती पर लिखते सुबह शबनम सुबह सुबह प्रीत कहानी, बूंद बूंद में पिघला दर्पण चेहरा हो गया पानी पानी, आई बूंदती बूंद सुहानी कंचन कलश बिखरता है, टिटक झिझकती चंदा को जब सूरज बाहों में भरता है, कि चिड़कोली ने गीत उगेला छंदों की काया अकुलाई, कि चिड़कोली ने गीत उगेला छंदों की काया अकुलाई, इक्का दुक्का चाकी चाली चिड़ियों ने प्रभाती गाई, कि इक्का दुक्का चाकी बोली चिड़ियों ने प्रभाती गाई, हैंडपंप इतरा कर बोला अपन गढ़ कहां संवरता है,
टिटक झिझकती चंदा को सूरज बाहू में भरता है, टिटक झिझकती चंदा को जब सूरज बाहू में भरता है। कि फुनगी फुनगी चुम्बन देती, कि फुनगी फुनगी चुम्बन देती, घूम रही किरणें हर जाई, फुनगी फुनगी चुम्बन देती, घूम रही किरणें हर जाई। गाँव गलियारे भीगे भीगे सुबह कहाँ से नहाकर आए, कि गाँव गलियारे भीगे भीगे सुबह कहाँ से नहाकर आए, कि सुबह कहाँ से नहाकर आए। अलसाई आंखों से देखो गाँव का रूप निकलता है, चिटक झिझकते चंदा को जब सूरज बाहों में भरता है। चिड़कुली देखी उगेला छंदों की काया अकुलाए, इक्का तुक्का चाकी बोली चिड़ियों ने पर भाती गाय। हैंडपंप इतरा कर बोला अब तनगत कहाँ संभलता है, चिटक झिझकते चंदा को जब सूरज बाहों में भरता है। अब शहर की सुबह कैसी है, एक गद्य कविता है, इसमें मैं गीत में नहीं ढाल सका इसको, किंतु गीत में ढलने लायक ये सुबह नहीं है। सुबह सुबह काले धुएं की लकीरें शहर पर घूम रही है, सुबह सुबह काले धुएं की लकीरें शहर पर घूम रही है। चाय तलाश रही है, शायद तलाशती रही रात भर, शायद तलाशती रही रात भर छतों पर नींद के लिए शांति की सफेद चादर वाले ठंडे बिस्तर। सुबह सुबह काले धुएं की लकीरें शहर पर क्यों घूम रही है, शायद तलाशती रही रात भर छतों पर नींद के लिए शांति की सफेद चादर वाले ठंडे बिस्तर। किंतु रात भर गलियों चौराहों और हाईवे पर, किंतु रात भर गलियों चौराहों और हाईवे पर खदबदाता रहा शोर, गलियों चौराहों और हाईवे पर खदबदाता रहा शोर। टुकड़ों टुकड़ों में लगातार सोने नहीं दिया, टुकड़ों टुकड़ों में लगातार सोने नहीं दिया। जहर उगलती चिमनियों में और खांसती रही रात भर मशीने, और खांसती रही रात भर मशीने, इसलिए पगलाई सी भटक रही है ये ऊंगती प्राणवायु, इसलिए पगलाई सी भटक रही है ये ऊंगती प्राणवायु सुबह सुबह शहर में। हमें कोई ठगता नहीं है, हम किसी के ठगने में नहीं आते, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है या डेमोक्रेसी हो या ब्यूरोक्रेसी हो या कोई सी भी क्रेसी हो, हम इंसान हम ठगे नहीं जाते। हम एक ही चीज से ठगाए जाते हैं, वह है उम्मीदें, उम्मीदों से ठगाए जाते हैं हम। तो एक गीत में ये प्रस्तुत कर रहा हूं कि उम्मीदों के हत्थे चढ़कर हम क्या क्या कर बैठते हैं, कि गिरवी हमने मंडी रख दी महंगाई के मत्थे मढ़कर, कि गिरवी हमने मंडी रख दी महंगाई के मत्थे मढ़कर, कितने सपने पाले हमने उम्मीदों के हत्थे चढ़कर, कितने सपने पाले हमने उम्मीदों की हत्थी चढ़कर। इसलिए मुंगेरी लाल होकर के उम्मीद नहीं पालनी चाहिए, कि गिरवी हमने मंडी रख दी महंगाई के मत्थे मढ़कर, कितने सपने पाले हमने उम्मीदों के हत्थी चढ़कर। सपनों की सौदागर आते अपनी पंखी खाल उड़कर, ऊंची बोली हाथ लगाते हर दरवाजे दौड़ दौड़ कर,
कि सपनों के सौदागर आते अपने पन की खाल ओढ़ कर ऊंची बोली आप लगाते हर दरवाजे दौड़ दौड़ कर कि पोथी जर जर लेकर आते ऊपर सुंदर गत्ते बढ़कर कितने सपने पाले हमने उम्मीदों के हत्ते चढ़कर कितने सपने पाले हमने उम्मीदों के हत्ते चढ़कर सुबह टहल में जब हम निकले कि सुबह टहल में जब हम निकले मिलती गलियों रोते रोते सुबह टहलने जब हम निकले मिलती गलियां रोते रोते हर चौराया इतना दागी संध्या हो गई धोते धोते सुबह टहलने जब हम निकले मिलती गलियां रोते रोते हर चौराया इतना दागी संध्या हो गई धोते धोते कैसे लाज बचाई अपनी जर्जर हो गए लते फटकर कितने सपने पाले हमने उम्मीदों के हत्ते चढ़कर कितने सपने पाले हमने उम्मीदों के हत्ते चढ़कर कि सुबह टहलने जब हम निकले मिली गलियां मिली रोते रोते कि सुबह टहलने जब हम निकले मिलती गलियां रोते रोते हर चौराया इतना दागी संध्या हो गई धोते धोते कैसे लाज बचाए इनके जल जल हो गए लगते पटकर कितने सपने पाले हमने उम्मीद के हत्ते चढ़कर दौड़ दौड़ कर उम्मीदों के ढके पांव फिर लौटे घर पर दौड़ दौड़ कर उम्मीदों के ढके पांव फिर लौटे घर पर खाली जेबे शोर मचाती महंगाई खड़ी है अपने सर पर खाली जेबे शोर मचाती खड़ी महंगाई अपने सर पर धरा पर नीचे कैसे उतरे पर्वत हो गए भत्ते बढ़कर कि धरा पे नीचे कैसे उतरे वो पर्वत हो गए भत्ते बढ़कर कितने सपने पाले हमने महंगाई के मत्थे बढ़कर कितने सपने पाले हमने उम्मीद के हत्ते चढ़कर कि अंधियारी घाटी से निकले आशा के नवदीप जले थे कि अंधियारी घाटी से निकले आशा के नवदीप जले थे हौसलों के पांव लिए हम अति उमंग में साथ चले थे मील के पत्थर चिढ़ा रहे अब राहगीर के कंधे चढ़कर मील के पत्थर खुद चिढ़ा रहे हैं राहगीर के कंधे चढ़कर गिरवी हमने मुंडी रख दी महंगाई के मत्थे मढ़कर कितने सपने पाले हमने उम्मीदों के हत्थे चढ़कर मित्रों मैं अब कुछ गद्य कविताएं आपको प्रस्तुत करूंगा अफीम मेरी कविता का शीर्षक है अफीम इसके पहले अफीम कविता सुनाऊं इसके पहले एक कविता आपको सुनाना चाहता हूं बनास का दर्द ये बनास का दर्द केवल बनास का ही दर्द नहीं है पूरे शहरों पूरे नगरों पूरी नदियों की यही हालात है जो मैं बनास के दर्द के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करता हूं गद्य कविता है उदास उदास सी रसिया की छतरी उदास उदास सी रसिया की छतरी टूटे मन और जगह जगह से खरोंच ली गई बजरी के पकड़ाए तन की पीड़ा को अपने अधरों पर बड़मुश्किल दबाए कराहते भी बनास ने कहा उदास उदास सी रसिया की छतरी को टूटे मन और जगह जगह से खरोंच ली गई बजरी के पकड़ाए तन की पीड़ा को अपने अधरों पर बेमुश्किल दबाए कराहती हुई बनास ने कहा इतना भोला है री ये अपना शहर ढोंग कितना भोला है री
ये अपना शहर उम्मीदों की ऊंची उछलती लहरों में बहकर मुंगेरी लाल हो जाता है। सपने उपले रातों के इंद्रजाल में इस कदर खो जाता है कि समय के पहले ही यानी चुनाव से पहले ही इसे अपने चारों ओर खुशहाली का सागर उमड़ता हुआ नजर आने लग जाता है। गरीब की अनिश्चित बेरोजगारी सी ऊबर खाबर सड़के इसे कांच सी चमचमाती नजर आने लगती है। पहले समय से पहले ही इसके अपने चारों ओर खुशहाली का सागर उमड़ता नजर आने लग जाता है। गरीब की अनिश्चित बेरोजगारी सी ऊबर खाबर सड़के इसे कांच सी चमचमाती नजर आती है। गहलोत भवन की कच्ची रपट एक शानदार कुड़िया सी और बेनर होर्डिंग में छपी हुई कल्पना सी सुंदर रेल इसे चुप चुप करती नजर आने लगती है। ये भाव विभोर होकर डिजिटल इंडिया की तरह अपनी आंखें, अपने हाथ, अपनी सोच को भी सौंप देता है हर किसी के हाथ में। फिर डूब जाता है चुपचाप काफिले की नमकीन चाय में फिर तो कभी पीछे मुड़कर देखता भी नहीं है ये कि समय की गुंबद पर काला कौवा बैठा है या सफेद कबूतर। ने कितना भोला है री मेरा ये शहर आज और जो नफरतों के की फसल बोई जाती है, आज कलमकारों को आवश्यकता है कि वो प्यार बोए और प्यार को एक संकीर्ण अर्थ से बाहर निकाले। तो मैं एक छोटा सा गीत प्रस्तुत कर रहा हूं, प्यार बिना सब सुन। जब तक हम आपस में प्यार नहीं करें, हर रिश्ते में प्यार होना चाहिए, पड़ोस में प्यार होना चाहिए, गांव में प्यार होना चाहिए, पूरे देश में प्यार होना चाहिए। प्यार की एक ऐसी लहर फैले, मैं कलमकारों से ये निवेदन करता हूं कि प्यार की एक ऐसी लहर फैले कि पूरा देश उसमें डूब जाए, आनंदित हो, खुशियां फैले। प्यार बिना सब सो, यादों की ऊंचे पेड़ों पर फुनगी जो इतराती है, मन के सूने आंगन में नव आशा बनकर गाती है। जिन शब्दों को इन अदरों का मीठा मीठा प्यार मिला, उम्मीद की आंखों को सपनों का संसार मिला, स्नेह निर्जर शुक्ल पाए, हृदय का विस्तार करो, मन के मधुवन माधव को ले प्यार करो,
पपड़ा ये अधरू पर बस दो प्यार जुम कथा चूना है, गुरु शिखर से ऊंची दौलत प्यार बिना सब सुना है, वो मजा नहीं भी क्या मजा है जो बीच घृणा के होता है, देख धर्म की हिंसक दुनिया दुखी ईश्वर भी होता है, प्यार समंदर प्यार है धरती प्यार गगन का आंचल है, बैर घृणा में सन्नाटा है प्यार जीवन की हलचल है, सूख न जाए मन वृंदावन आनंद घन विस्तार करो, मन के मधुवन माधव बोले प्यार करो प्यार करो, राम रहीम और कृष्ण करीम जो प्यार की राह दिखाते हैं, मस्ती की पी पी कर हाला मस्त कभी ले गाते हैं, राम रहीम और कृष्ण करीम जो प्यार की राह दिखाते हैं, मस्ती की पी पी कर हाला मस्त कभी ले गाते हैं, वो गंदी क्या घर है यार दीवारें जिसकी ऊंची हो, दिल में दिलदार कैसे आए दिल में ताला खुजी हो, आती जाती सांसे कहती बिन प्यार बिना जब जाए जाली है, आती जाती सांसे कहती प्यार बिना सब जाली है, प्यार गीत है प्यार है क्रिसमस प्यार होली और दिवाली है, जब जीवन में फूल खिलाओ अपने पर चाहे खार दो, मन के मधुबन माधव बोले प्यार करो प्यार करो, प्यार की मसल को है आपने सुना, और आप हमारे स्लिम को सब्सक्राइब करेंगे और यूट्यूब पर भी सुनेंगे इसी आशा और विश्वास से, धन्यवाद।